ग्रिड लाइन वन वर्टिकल बार, अभी जस्ट इधर से आप चेक करते जाएंगे ओके। तो वन पे आपने चेक किया, वन पे तो वन ए टू बी आप इस पे से करेंगे सीधा डायरेक्टली बी पर, मैंने यहाँ पे ए नहीं लिखा है तो डायरेक्ट बी पर लिख दिया है। तो फ्रेंड्स ए से बी पर गए आप, इसका ओरिजिनल डिस्टेंस क्या है 8780, वर्टिकल है 8780 माइनस कॉलम का साइज क्या है C6, C6 का कॉलम चौड़ाई है तो 450, तो ब्रैकेट 450 माइनस 225 ग्रिड लाइन से बाहर है मुझे चाहिए इनर फेस, तो माइनस 225 ओके माइनस। अब क्या करना है फ्रेंड, इधर से ये माइनस हो गया इधर से, अब ये करना है डायरेक्ट इधर से, उसने यहाँ पे पहले से दे दिया है 375, तो माइनस 375 इक्वल टू, इसको हम चाहिए मीटर में, डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 8.18। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 8.18 क्लियर। अब ग्रिड लाइन पर फर्स्ट पे चलते जा रहे हैं, फर्स्ट पर उस पर आपको देखना है फ्रेंड्स क्या आप फर्स्ट लाइन जा रहे हैं, फर्स्ट लाइन सी पर है, कॉलम आपका सी पर है। यहाँ पे आप फ्रेंड्स क्या करना है आपको, पहले आप देख लीजिए क्या कहाँ पर कॉलम नहीं है, सी पर है, सी पर है फाइंड आउट करना है, डी पर है, डी पर है फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको ई पर है नहीं है, एफ पर है, एफ पर है फाइंड आउट करना है क्लियर। फिर आप सेकंड ग्रिड लाइन पर जाएंगे सेकंड पर, तो फाइंड आउट करना है आपको बी, बी करना है इससे डिस्टेंस क्लियर। उसके बाद आपको सी, सी पर फाइंड आउट करना है, डी पर है, ई पर नहीं है, यहाँ पे ई पर नहीं है, उसके बाद आपका एफ पर है, तो ये आपको क्या करना है डी पर है नहीं है, ई पर नहीं है, सीधा एफ पर है, ये आपका एफ पर है। तो कॉलम कितना 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, तो बी आपको स्टार्टिंग का फ्रेंड्स स्टार्टिंग से करना है, तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे ए नहीं लिया है, तो 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बी का हो गया है, सी का हो गया है, सी पर है फाइंड आउट करना है, डी पर है, डी पर फाइंड आउट करना है, सॉरी यहाँ पे डी पर फाइंड आउट करना है, ई पर नहीं है और एफ पर है, एफ पर। चलो इस तरह से आप फ्रेंड्स मेथड से निकाल लेंगे इनर टू इनर फेस, जब भी आप कॉलम के लिए जाएंगे तो डायरेक्टली वहाँ पे ये फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज ये देखो सबसे बड़ा मैं निकालता हूँ यहाँ पे एक फेस, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे ग्रिड लाइन नंबर थर्ड और कॉलम वही है एंड ये है कॉलम ओके C5 C है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या आएगा वो देखते हैं। उसने फ्रेंड्स ग्रिड लाइन दे दी है, आपको चाहिए कौन सा 3, ये 3 ओके, कौन सा फाइंड आउट करना है मुझे फोर्थ पर, फोर्थ पर ग्रिड लाइन बी से, ग्रिड लाइन बी से सी तक, मैं वह सी पे नहीं है डी पर, सी से डी कौन सा फाइंड आउट करना है ये ओ डी, डी फाइंड आउट करना है सी से डी पर ओके, सी से डी पर करना है, तो सी और डी के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा मुझे जो भी आगे डिस्टेंस फ्रेंड मुझे यहाँ पे लिखना है ओके। डी आपका है, जो आपका कॉलम डी पर है, डी पोजीशन पर है, आपका डी पोजीशन पे कॉलम है और सी बी पर है, तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है यहाँ पर बी, इससे डिस्टेंस इससे इन दोनों का ये आपको खाली छोड़ देना है, सी पर नहीं है कॉलम तो बी पर है, तो बी से, बी से सी तक का डिस्टेंस क्या आएगा जो भी यहाँ पे आएगा ओके। तो देखिए फ्रेंड्स क्या आएगा, क्या आता है ग्रिड लाइन उसने दे दी है 2500, तो 25100 माइनस ये आपका कॉलम क्या है C5, C5 का साइज क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे कॉलम C5, C5 का 750 बाई 450, C5 750 बाई 450 यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कॉलम चौड़ाई कितनी, कॉलम की ये ऐसे लंबाई कितनी है 750, तो क्या करना है मुझे ब्रैकेट माइनस 750 माइनस ओके। तो फ्रेंड इसने इधर तो डिस्टेंस दिया नहीं है, इधर दिया है तो माइनस 375, इसलिए मैं माइनस 375 ओके माइनस। अब यहाँ पे देख लेते हैं उसने डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया है, तो इसलिए मुझे कॉलम की टोटल चौड़ाई में से ये जरूरत नहीं है करने की, तो डायरेक्ट 375 माइनस कर देता हूँ, 375 इक्वल टू 24350, तो डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 24 मीटर 75, तो इसका डिस्टेंस आएगा 24.35। तो इन दोनों का डिस्टेंस इस कॉलम से इस कॉलम का जो डिस्टेंस आएगा 24 मीटर 35 ओके। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है डी पर, इन दोनों का डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस क्या करना है फ्रेंड, उसने गिवन दे दिया है इस ग्रिड से इस ग्रिड का डिस्टेंस, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्लस करना होगा एंड ये प्लस करना होगा, तो उस कंडीशन क्या करेंगे, क्या 3150 ओके प्लस कितना यहाँ पे 5710 ओके टोटल आ गया आपका 8860। इस ग्रिड से इस ग्रिड का डिस्टेंस है 8860। अब माइनस करना है हमें इस कॉलम का इनर और इस कॉलम का इनर, ओके तो माइनस माइनस क्या है फ्रेंड्स 337 ने नहीं दिया है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ब्रैकेट कर देता हूँ, 750 माइनस कॉलम का इनर फेस, ये बाहर का फेस है तो जो भी टोटल में से बाहर निकाल देंगे 375 ओके। अब निकालना है माइनस इधर का कॉलम 375 तो 375 इक्वल टू 8110, तो इनर इनर डिस्टेंस है 8110, हमें चाहिए मीटर में, तो फ्रेंड्स 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो 8.11 इसका मीटर आएगा इस कॉलम के सेंटर, इस कॉलम का इनर फेस से इस कॉलम का इनर फेस, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तो आपका जब चेक करेंगे ना बी से डी तक तो 8.11 मीटर ओके, बी से डायरेक्ट डी तक, ए से बी से करेंगे तो यहाँ पे जो फाइंड आउट करेंगे वो लिख देना ओके, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ओके। अब तो आपको ये होगा इनर टू इनर डिस्टेंस कॉलम का, जो आप कॉलम चेक कर रहे हैं ये आपका फ्रेंड्स कहाँ पे काम आएगा, कॉलम लेआउट करने के बाद आपका इनर टू इनर चेक करने में वो आएगा, उसके बाद आप बीबीएस बना रहे हैं उसमें काम आएगा, उसके बाद आपको जो कॉलम है बीबीएस कॉलम के बीबीएस में बनाने में काम आता है, कॉलम के साइज कॉलम में एंड बीम में, ये भी आपको कॉलम एंड बीम में एंड लेआउट में काम आएगा, ये तीनों चीज़ आपकी मेथड आएगी कॉलम एंड लेआउट में। फिर दूसरा मेथड है फ्रेंड्स इस तरह से, ये बता देता हूँ मैं आपको ये क्या चीज़ है। चलो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ जो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये टेबल बनानी है, सबसे पहले इसमें फ्रेंड्स क्या लिखना है, कॉलम नंबर, ये सबसे पहले मोस्टली सीनियर पूछ सकते हैं एंड आपको नॉलेज में भी होना चाहिए साइड पे क्या काम चल रहा है, कितने कॉलम्स हैं, कितने कितने साइज के हैं, उनका रिइंफोर्समेंट क्या है ओके। तो यहाँ पे C1, C2, C3, 4, C5 तो टोटल नंबर्स यहाँ पे कितने C9 तक है, C9 तो C10 तक यहाँ पे उसने मार्क कर दिया है C10 ओके, तो C1 से C10 तक रहेंगे रिइंफोर्समेंट में आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो आपकी लंबाई और ब्रेथ, कॉलम की लंबाई और चौड़ाई क्या है वो सभी यहाँ पे गिवन मैंने ले लिया है, वो फ्रेंड्स कॉलम की लंबाई चौड़ाई आपको उसमें मिलेगी वो लेआउट प्लान में और रिइंफोर्समेंट में, वो कॉलम के मैं बता चुका हूँ हाउ टू स्टडी ऑफ कॉलम लेआउट कॉलम रिइंफोर्समेंट ओके, तो आप उसमें अच्छे से स्टडी कर सकते हैं तो ये आपको ये गिवन हो जाएगा। तो बाद देखना फ्रेंड्स नंबर्स ऑफ कॉलम, तो ये टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं, C1 के इतने 300x600 है, C2 है 300x600 है, बट कॉलम नंबर तो है ही है लेकिन इनका जो रेनफोर्समेंट है वो डिफरेंट डिफरेंस रहेगा, साइज एक ही है लेकिन रेनफोर्समेंट डिफरेंस रहेगा, C3 है 450x750, C4 750x750, साइज एक है C5 750x450 ओके, ऐसे C6 है C7 तक है, तो C3 से C7 तक साइज एक है लेकिन इनका जो रेनफोर्समेंट है होता है वो डिफरेंस है, वर्टिकल रेनफोर्समेंट आपका जैसे ऐसे दे देगा वो ओके, तो यहाँ पे लिख देगा C5, यहाँ पे दे देगा साइज वही C6, रेनफोर्समेंट यहाँ कर देगा आपको 4 बार, इसमें क्या कर देगा फ्रेंड्स वो 6 बार ओके, अगर यहाँ पे C4 है तो फ्रेंड्स यहाँ पर कर देगा आपको इस तरह से 6 बार इस तरह से प्रोवाइड कर देगा, तो वो फ्रेंड्स वो लोड डिपेंड पे आपको दे देगा ओके। सबको साइज लिख लेना है, नंबर्स ऑफ कॉलम देखने हैं C1 के कितने हैं, C2 के कितने हैं, फिर दो में देखने हैं टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं, ये आपको चेक रेनफोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा लेआउट में भी हर जगह पे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है, C1 के देखने हमें कितने कॉलम्स हैं, तो फर्स्ट लाइन में आपको देखना है फ्रेंड्स चेक करते जाना C1 है इसमें, C1 नहीं है, उसके बाद जो भी आपको फ्रेंड्स यहाँ पे है C6 तो C6 है तो C6 में आपको ऐसे लिख देना ओके, उसके बाद आपको C6 के 1, 2, 3 एंड 4th, तो इसमें फ्रेंड्स आपके कितने हैं 4th, चलो उसके बाद देखना है फ्रेंड्स C7 है 1, 2 तो 1 एंड 2 C7 2 तो 4, 2, 6 कॉलम हो गए फर्स्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लियर। अब देखते हैं सेकंड में बी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स कॉलम है, तो फ्रेंड्स C8 के 1, 2 एंड 3 तो C8 के आपके है 3, C8 के 3 हो गए, अब C8 हो गए, अब C9 1
टू, तो आपके सी नाइन के टू कॉलम है। आठ दो दस, सी एट के वन टू थ्री, तो आपके थ्री है सी एट के, सी एट के थ्री, तीन और दो पाँच और एक छः, आपका लास्ट कीज फाइव, तो सी फाइव वन। ओके, अब देखते हैं फ्रेंड्स इसमें सी ग्रिड लाइन सी, ऐसे आपको चेक करते जाना, सी थ्री का वन है हो गया है, टू हो वन एंड टू, तो आपके सी थ्री टू हो गए। उसके बाद देखना है सी फोर वन टू, तो सी फोर के आपके टू हो गए। उसके बाद आपको देखना है सी फाइव को वन हो गया, सी फाइव का वन हो गया, यहाँ पे दोबारा प्लस वन कर देता हूँ। उसके बाद देखना है सी डी मन, डी मन क्या है सिक्स, वन टू थ्री एंड फोर, तो यहाँ सी सिक्स के प्लस फोर। उसके बाद देखना है सी टू वन एंड टू, तो उसमें टू है, सी टू के टू है, सी टू के टू है। उसके बाद देखना है वन, सी वन का आपका प्लस वन हो गया। उसके बाद देखना है ये सी फाइव वन टू थ्री एंड फोर, सी फाइव के प्लस फोर। ओके, तो सी टेन वन एंड टू, तो सी टेन इक्वल टू टू। अब देखते हैं फ्रेंड्स टोटल नंबर्स और कॉलम कितने आते हैं, वन टू दो एक तीन और तीन दो पाँच, पाँच दो सात आठ एंड नौ, नौ चार तेरह, तेरह चार सत्रह, सत्रह चार, सत्रह चार इक्कीस। ओके, इक्कीस और दो, इक्कीस और दो तेईस, तेईस और तीन छब्बीस, छब्बीस और दो अट्ठाईस और दो तीस, तो टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम है तीस नंबर्स। अब इसमें चेक करते हैं, देखो तीस नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन एंड टेन। ओके, तो आपका टोटल हो गया यहाँ पे थर्टी। क्लियर, ऐसे आपको थर्टी नंबर्स है, आपको कॉलम रेनफोर्समेंट आपको ये काम आएगा। सी वन का ओनली वन है, सी वन का फ्रेंड्स उसने वन दे दिया है फ्रेंड्स ओनली, ये उसका स्टीयर केस के अकॉर्डिंग ये रेनफोर्समेंट उसने दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको लेआउट में ही ओनली लेआउट में ही काम आती है टेबल, लेआउट में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा टेबल लेआउट में काम आएगी ये वाली टेबल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ग्रिड लाइन प्लान से, ये सब मैं लग देता हूँ। ओके, ग्रिड लाइन प्लान से आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है सबसे पहले वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्या रहेगा, वन, वन से डायरेक्शन क्या आपको जा रही है ये वाला डायरेक्शन, तो ए से टू तक, तो ए से टू तक डिस्टेंस क्या रहेगा वन टू टू, तो यहाँ पर उसने दे दिया 910, तो आपको डायरेक्टली चेक करेंगे 910, आप लेआउट करेंगे, लेआउट करने के बाद आप डायरेक्टली फर्स्ट पोजीशन में पीसीसी पर, तो वहाँ पे आप क्या कर देंगे लाइन मार्किंग कर देंगे, यहाँ पे आप लाइन मार्किंग कर देंगे। ओके, तो ग्रिड लाइन आपको यहाँ से यहाँ मिल जाएगी। ओके, या फिर आप यहाँ पे मार्किंग की है पीसीसी पर, और मोर्टार आपने यहाँ पे चाहे मार्किंग यहाँ पे की सेंटर लाइन ग्रिड लाइन, उसके बाद आप यहाँ पे सबसे मेथड मैं आपको लेआउट के लिए बता चुका हूँ, आपको बस फ्रेंड ये चेक करना है कि जो इन इसका डिस्टेंस है क्या आउटर डिस्टेंस हमारा सही मिला है, या इस कॉलम से इसका जो डिस्टेंस है वो आपको सही मिला है, वो आपको आएगा फ्रेंड्स ग्रिड लाइन से, आपको पता है ग्रिड लाइन क्या है। ओके, यहाँ पे आप लेआउट मार्किंग कर देंगे, इधर मार्किंग कर देंगे, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, इस कॉलम से आउटर के इस आउटर का कॉलम का आउटर फेस इन दोनों का वो मिलेगा एक फीते से, 30 मीटर का फीता हमेशा यूज करना चाहिए लेआउट में, लेआउट में टाइम पे। ओके, स्टार्टर हो या फिर आपका लाइन मार्किंग हो या फिर आपका चूना मार्किंग हो जो एक्सकवेशन के लिए करते हैं, 910 हो गया। फिर आपको देखना है थ्री नंबर, थ्री लाइन फर्स्ट थ्री लाइन, तो थ्री लाइन को आपको क्या है नहीं है कॉलम, तो कॉलम यहाँ पे मैं मुझे नहीं चाहिए थर्ड पे। उसके बाद आपको फोर्थ, फोर्थ पर कितना डिस्टेंस बना यहाँ से, आपको इस ग्रिड लाइन से फोर्थ तक कितना डिस्टेंस बना है, तो फ्रेंड्स आप टोटल चेक करते जाइए बस, 9010 9010 प्लस उसके बाद इस कॉलम से इस ग्रिड तक का डिस्टेंस 6136 प्लस उसके बाद 2354 प्लस 2354 हो गया, तो टोटल है आपका यहाँ पे इस ग्रिड लाइन का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, तो इक्वल टू 17500, तो 17500। क्लियर, अब आपको क्या करना है, फिफ्थ में कॉलम है नहीं है, छोड़ देता हूँ मैं इसको, सिक्स्थ पर आपको कॉलम है, तो फ्रेंड्स टोटल कितना हो गया आपके पास, फोर्थ तक आपने मेजर कर लिया, तो फोर्थ से सिक्स्थ पर जाना है ओनली, तो प्लस कर देता हूँ इसमें डायरेक्टली, तो उसके बाद क्या है 1444 प्लस कितना है 1406 इक्वल टू 20346। ओके,
आपको 6 पे मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इस डायरेक्टली इस ग्रिड लाइन से डायरेक्ट लेआउट करने के टाइम पे फ्रेंड्स मैं बता दूंगा जिसका जो मेथड है। तो C6 पर आपको डायरेक्ट मेजर करेंगे यहाँ तक, तो आपको इतना आना चाहिए। उसके बाद आपको 6 हो गया, 7 तो कॉलम है आपको नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको 8, आपने क्या किया 6 तक मेजर कर चुके हैं, 7 छोड़ देना है और 8 पर जाना है। तो डायरेक्टली आपको जाइए 20346 प्लस, उसके बाद 6 है 7, तो 2393 प्लस इसका इसका ग्रिड लाइन का डिस्टेंस क्या है 85, उसका ये 6167, तो 6167 इक्वल टू 28906 आ गए। अब 9 पे देखना है इसका डिस्टेंस कितना बना, प्लस 8 तक आपको ने प्लस कर चुके हैं तो आपको देखना है 9 तक, तो 9010 इक्वल टू 37916। ओके तो 3916, तो इससे पता फ्रेंड्स क्या पता चलेगा आपको इन दोनों सभी का डिस्टेंस से, फ्रेंड्स आपको बस ये पता चलेगा कि 37920 टोटल डिस्टेंस आपका 37920, आपने इसमें यहाँ पे टोटल कितना निकाला 37916, कितना डिफरेंस पड़ा 4 mm का, तो वो 4 कहाँ से आएगा। ओके तो बस फ्रेंड्स वही चेक करते हुए जाना कि आपको चेक कर डिस्टेंस कहाँ पे गड़बड़ हुआ कहाँ नहीं, आप लेआउट मार्किंग करते हुए चले जाएंगे फिर आप लास्ट में देखेंगे मेरा तो गड़बड़ हो गया है, मेरा तो ये लाइन नहीं है। तो इसमें आप कॉलम को चेक करते जाइए, 9010 हो गया, उसके बाद 6136 ऐसे आप दोबारा चेक करते जाएंगे। ओके तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला कलम प्लान करने के लिए। ऐसे फिर आप सेकेंड पर करते हो, बी पर चेक करते हुए जाते हैं सेकेंड पर, सेकेंड पर कॉलम है तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस लिख देंगे 9010। उसके बाद आपका थ्री पर है, थ्री पर डिस्टेंस है 9010 प्लस 6136, तो 6136 इक्वल टू 15146, तो थ्री पर है आपका 15146। अब देखते हैं फोर्थ पर नहीं है, फिफ्थ पर नहीं है, सिक्स्थ पर आपको लेआउट करना पड़ेगा, तो सिक्स्थ पर चाहिएगा आपको कॉलम का डिस्टेंस। तो आप क्या कर चुके हैं, थर्ड तक कर चुके हैं, तो थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ तक कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस क्या आएगा, तो 2354 प्लस 2354 आपने ये मेज़र किया प्लस 1444 प्लस उसके बाद 1406 इक्वल टू 20350, तो इस ग्रिड का लाइन आएगा 20350। क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस ग्रिड लाइन से आप डायरेक्टली इसका मेजर कर लेंगे, इस ग्रिड लाइन का डिस्टेंस अंदर का, तो 20 मीटर 350। क्या करते जाते हैं आपने ग्राउंड फ्लोर पे कर चुके हैं पीसीसी प्ले आउट, फ्रेंड्स आउटर से आउटर यहाँ पे मोटर अच्छे से रख लेना है, यहाँ पे इधर इधर सभी ग्रिड का लगना है, पूरी ग्रिड जो आपकी आउटर आउटर ग्रिड है वही ग्रिड आपको पीसीसी पर उतारनी है, पीसीसी लेवल पर बाहर इसी लेवल पे। कॉलम का क्या करेंगे, इस कॉलम से डिस्टेंस और इस कॉलम का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आउटर आउटर अपने कॉलम का बना लिया है। फर्स्ट आपको ये पॉइंट मिल गया कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट वो लेआउट बता दूंगा किस तरह से आपको कॉर्नर पॉइंट आएगा रेक्टेंगल का, इस कॉलम का ये पॉइंट आने के बाद, ये पॉइंट आने के बाद आपको कॉलम का डिस्टेंस मिलता रहेगा। एक फीसा रीजन यहाँ पर रखिए, तो ग्रिड लाइन प्लान बना यहाँ पर बनाते जाइए, 1 2 3 बनाते गए, बनाने के बाद उसके बाद डायरेक्टली ये प्लाइन सीधा सीधा मिल जाएगा धागा, यहाँ धागा बांधेंगे आप सीधा वहाँ धागा बांधेंगे, फिर एक धागा आप यहाँ बांधेंगे एक धागा यहाँ बांधेंगे इधर, तो आपको कौन सा कॉलम चाहिए वो ही आपको कॉलम मिल जाएगा। ये वाला लाइन पे आपने धागा बांधा तो इस वाले लाइन से कितना कॉलम मिलेगा, ये वाला कॉलम, फिर इस धागे को उठाइए यहाँ पर रख दीजिए सी पर, इधर से भी धागे उठा के सी पर रख दीजिए, फिर ये वाला कॉलम मिल जाएगा, इधर से कितना है, इधर से कितना, इधर से कितना है, नो चांस। ओके तो अपने डिस्टेंस 6 तक कर चुके हैं, 7 8 9, तो बी तक है तो 7 पर कॉलम नहीं है तो 8 पर है और 9 पर है, तो आपने मेज़र किया था 2। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे डिस्टेंस आपका क्लियर हो गया ना, यहाँ पे आपका 20350, आपने यहाँ पे किया था 20340, फ्रेंड्स डिफरेंस कितना आता है यहाँ पे 4 का, 4 का डिफरेंस आने पर 0207। ओके यहाँ पर 9 है तो 7 3 3 7 9 0, यहाँ पर 4 का डिस्टेंस होता है, यहाँ पे आपका यही क्लियर हुआ है फोर्थ एंड फोर्थ। ओके
यही आपका डिस्टेंस यहाँ पे ही गड़बड़ था बस। तो इस तरह से आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने में। ओके, इस तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते जाएंगे, लेआउट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। डायरेक्टली आप मार्किंग करते हुए जाएंगे, यहाँ पे आप मार्क कर लेंगे सीधा मार्किंग आउटर आउटर। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या करना, आपको टोटल मार्किंग प्लस करते जाइए, 1 से 2 ये भी प्लस कर लीजिए। ओके, ये भी प्लस कर लीजिए, आपको आउटर आउटर डिस्टेंस मिल जाएगा, बाहर से बाहर ग्रिड पॉइंट ग्रिड पॉइंट ग्रिड पॉइंट। तो बस आपको सीधा फ्रेंड क्या करेंगे, लेआउट यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, इधर रख देंगे, लेआउट स्टडी कर लेंगे ना फ्रेंड्स। वो मैं बता चुका हूँ आपको, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मैं ये लाइन किस लिए बनाई, क्यों बनाई। ओके, उसके बाद देखते फ्रेंड्स वर्टिकल। वर्टिकल फ्रेंड्स आपको ये देखना है, ये वाले डिस्टेंस, ये 8780, उसके बाद सी बी से, बी से सी तक का ग्रिड लाइन। तो क्या करेंगे, 870 प्लस 5710, तो ए से यहाँ पे आप गए प्लस 1 से, ये प्लस करते हुए गए, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आया बी तक, 8780 ये आ गया है। उसके बाद सी पर गए, तो इसमें 8780 प्लस 8780 प्लस 5710, तो 5710 इक्वल टू 14490, ये आपका डिस्टेंस मेजर करते जाएंगे। ओके, ऐसे ही आप इसको प्लस करते जाना है, तो 4490 हो गया प्लस, अब हमें क्या जाना है, डी, डी पर आपका कॉलम है तो डी पर जा देते हैं, कितना है 3150, तो प्लस 3150 इक्वल टू 17640। अब ई पर देखते हैं, ई पर कॉलम नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं एफ, एफ पर क्या करना है फ्रेंड्स, ये आपको दो ग्रिड लाइन दे दी है, ई ई आपने छोड़ दिया, ई भी प्लस करना पड़ेगा आपको, सीधा आप डायरेक्ट गए एफ पर, तो 3882, तो प्लस 3882 प्लस 35, यहाँ पे लिखा हुआ है 3578। ओके, 3578 इक्वल टू 2500, आपको ये डिस्टेंस मिलता रहेगा। इस तरह से आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट जाएंगे लेआउट करने के लिए, हम डायरेक्ट मार्क कर देंगे नीचे, ये मार्क करते हुए जाएंगे, इससे आपको लेआउट बहुत आसान रहेगा लेआउट करने में, नो मिस्टेक चांस, मिस्टेक चांस तो आपको मिल ही नहीं सकता अगर आप चेक कर लेंगे ग्रिड लाइन बनाते रहेंगे। ओके, तो इस तरह से आप टेबल बना लीजिए, चार टेबल बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको, ये चारों टेबल आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, ग्रिड लाइन टू ग्रिड लाइन, आपको ये लेआउट में ही काम आएगी, ओनली बस लेआउट में, ये दोनों चीज़ आएगी आपकी ओनली लेआउट में, ये दोनों आपको मेथड आएगा, ये दोनों आपको रेनफोर्समेंट में, लेआउट में, लेआउट रेनफोर्समेंट बनाएंगे, बीबीएस बनाएंगे तो उसमें काम आएगा, अगर आप बना रहे हैं कॉलम लेआउट तो कॉलम में भी काम आएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बनाए हमारे साथ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसमें, तो टॉपिक में बहुत बताने वाला था, बहुत टॉपिक बताने वाला था, बट टाइमिंग की वजह से बहुत वीडियो लंबी हो जाती, तो इसलिए नहीं बना पा रहा।